समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमला किया। अखिलेश यादव ने खराब स्वास्थ्य, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी घोटाले में जातिवाद को बढ़ावा देने में जाति के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न व मुसलमानों के उत्पीड़न में नंबर 1 करार दिया है। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर सिलसिलेवार कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि सरकार घोर जातिवादी तरीके से कार्य कर रही है। समाजवादियों पर जाति का झूठा आरोप लगाने वाले भाजपाई सबसे बड़े जातिवादी निकले। इस सरकार के हर कार्य में घोर जातिवाद दिखाई दे रहा है। आज जाति के नाम पर पोस्टिंग, जाति के नाम पर इलाज, जाति के नाम पर मुकदमे और जाति के नाम पर इनकाउंटर हो रहे हैं। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को जाति देखकर नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिन दहाड़े हत्याएं, लूट और दुष्कर्म हो रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। महिला उत्पीड़न के मामले में यूपी देश में नंबर 1 है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।